subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार, आप देख रहे हैं MBPD यूट्यूब में। दोस्तों आज की वीडियो की इसी डिश पर दोस्तों मैं आपको तीन चैनल सेट करके दिखाऊं, वो भी दोस्तों एक ही LMB और एक ही डिश पर। आपको कोई भी दोस्तों आपको सेट नहीं करना है, सिर्फ एक ही LMB और एक ही डिश पर मैं आपको तीन चैनल में आपको सेट करके दिखाता हूँ। और तीनों सेटेलाइट का मैं इसका सिग्नल भी आपको दिखा देता हूँ कि कितना सिग्नल रिसीव हो रहा है और कौन सी TP है, वो भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले दोस्तों मैं आपको 93 DTPDS का सिग्नल दिखाता हूँ, फिर बाद में दोस्तों डिश TV का सिग्नल दिखाता हूँ 95 और 93, 95 और 98 और तीन सेटेलाइट दोस्तों एक ही LMB में आपको रिसीव करके दिखाता हूँ कि कितना सिग्नल रिसीव होता है और कौन सी TP है, वो भी दोस्तों मैं दिखा देता हूँ। वतन 2 की TP और DTPDS और 95 डिश TV और तीनों की सेटेलाइट। और ये वाली डिश है दोस्तों, पहले 95 पर मैंने सेट किया है और ये आप डिश की पोजीशन देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपको दो सेटेलाइट एक ही साथ में देखना है तो आपको पहले सबसे पहले आपको 95 पहले आपको डिश TV पहले आपको सेट करना पड़ेगा, फिर दोस्तों आपको 98 डिग्री और 93 दो ही सेटेलाइट का सिग्नल आप साथ में देख सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आपको 95 पहले आपको सेट करना पड़ेगा और LMB की पोजीशन बात करते हैं, LMB पोजीशन सेम रहेगी जैसे DTPDS में रहती है, इस तरह से आपको इसकी LMB पोजीशन रखना है। और मैं आपको इसके सामने से दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो मैंने पहले 95 सेट किए, फिर दोस्तों दो ही सेटेलाइट का मेरे पास सिग्नल वो 2 फीट का एंटीना, ये आप देख सकते हो। वीडियो कॉन 88 डिग्री पर अभी सेट है और ये वाली डिश मैंने अभी सेट की है 93, 95 और 98 डिग्री वतन 2, ये आप देख सकते हो। और तीनों सेटेलाइट का मेरे पास इसका सिग्नल रिसीव होता है और पिछला वीडियो भी मैंने दिखाया कि किस तरह से आपको सेट करना है, वो भी दोस्तों इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। और ये वाली डिश है और तीन सेटेलाइट पर अभी सेट है, ये आप देख सकते हो। और मैं इसका सिग्नल भी आपको चेक कर देता हूँ कि कितना सिग्नल तीनों TP पर दोस्तों मुझे रिसीव होता है। और सबसे पहले आपको 95 पहले आपको सेट करना पड़ेगा डिश TV, फिर दोस्तों आपको दो ही सेटेलाइट का सिग्नल आप देख सकते हो साथ में 98 डिग्री और 93 डिश TV और DTPDS तीनों सेटेलाइट का आपके पास सिग्नल रिसीव हो जाएगा, ये आप देख सकते हो। और इसका सिग्नल भी आपको मैं चेक कर देता हूँ कि कितना सिग्नल रिसीव होता है और कौन सी TP है, वो भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो सिग्नल। सबसे पहले मैं आपको वतन वाली TP पे सिग्नल में आपको चेक कर देता हूँ, ये आप देख सकते हो। ये वाली है 3 नंबर वाली TP, ये वतन 2 की TP है, ये आप देख सकते हो 98 डिग्री की TP है। और ये वाली है पहले वाली TP है 95 की TP है डिश TV की, ये आपको तीनों TP मैंने आपको चेक कर देता हूँ और तीनों TP आप चेक कर सकते हो। ये वाली है 3 नंबर वाली TP है, ये आप देख सकते हो, ये वतन 2 की TP है। और दो ही नंबर वाली TP है, आप देख सकते हो, ये DTPDS की TP है और पहले वाली TP है और 95 की डिश TV की TP है। और तीनों TP पर मेरे पास सिग्नल रिसीव होता है, ये आप देख सकते हो। और दो नंबर वाली TP है दोस्तों DTPDS की TP है और 3 नंबर वाली TP है वतन 2 की TP है, ये आप TP भी नोट कर सकते हो तीनों की। और इस TP पर दोस्तों मुझे 95 पर मुझे सिग्नल रिसीव होता है, ये आप देख सकते हो। और इस TP पर दोस्तों मुझे 86 दोस्तों मुझे सिग्नल रिसीव हो रहा है और तीनों TP पर मैंने सिग्नल आपको चेक कर ही देता है, ये आप देख सकते हो। ये वाली डिश है दोस्तों मैंने तीन सेटेलाइट पर एक ही LMB में और एक ही डिश पर भी मैंने सेट किए हैं, आप डिश की पोजीशन आप देख सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आपको करना है 95 पहले आपको सेट करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप साथ में देख सकते हो। और यही थी आज की डिश सेट करो, यही थी आज की अपडेट। अपडेट आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को कर दिया।